सो गाइस, फाइनली इंडिया में आने वाला है रियलमी का सबसे सस्ता 5G फ़ोन। जी हाँ दोस्तों, हम इसे सिर्फ रियलमी का ही नहीं बल्कि सबसे सस्ता 5G फ़ोन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो कीमत होगी वो होगी मात्र 7,000 से 7,500 रुपये तक की। आप कह सकते हो कि इसकी जो कीमत होगी वो होगी एटलीस्ट 7,000 रुपये ओनली। जी हाँ दोस्तों, ये आपको मात्र 7,000 रुपये मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम आपको इसके सारे की स्पेसिफिकेशंस और इसके बारे में क्या न्यूज़ निकल के आया सब कुछ देंगे। बस आप वीडियो को एंड तक बने रहो। तो चलिए बिना देखे हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इसके कुछ यहाँ पर जो न्यूज़ निकल के आ रही है प्रेजेंट टाइम में, अभी तुरंत के तुरंत ताज़ा अपडेट वो है कि रियलमी जल्दी भारत में सबसे सस्ता लगभग 7,000 रुपये की कीमत वाला 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा। रियलमी के CEO माधव सेठ ने कंफर्म कर दिया कि वो जल्द ही इंडिया में 5G फ़ोन अपना लॉन्च करेगा, जिसकी कीमत होगी मात्र 7,000 रुपये। एंड कब लॉन्च करेगा ये भी मैं आपको बताऊंगा, बस थोड़ा सा वीडियो के अंदर बने रहो। तो यहाँ पर आगे बताया गया है आपको, ये सब रियलमी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर सब कुछ पोस्ट किया है, वहाँ से मैं आपको सब कुछ बता रहा हूँ। रियलमी यहाँ पर पुष्टि करता है कि बहुत जल्दी भारत में एक अल्ट्रा किफ़ायती 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा, जो कि लगभग 7,000 रुपये की कीमत वाला यह आसानी से बाजार में किफ़ायती 5G स्मार्टफोन हो सकता है। रियलमी का लक्ष्य इस साल दीपावली के दौरान भारत में कम से कम 60 लाख स्मार्टफोन यूनिट बेचने का है। जी हाँ दोस्तों, अभी आपको कंफर्म हो गया होगा कि ये जो स्मार्टफोन है ये कब आएगा। एंड गाइस, यहाँ पर आपको बहुत कुछ दिया गया है बताने के लिए, तो आप थोड़ा सा कुछ समय देकर आप ये थोड़ा सा वीडियो पूरा देख लीजिए, वरना आपको बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाएगा और आप अफवाहों में जीने लगेंगे। तो यहाँ पर आगे लिखा गया है, पर रियलमी 5G वैश्विक सम्मेलन ने कहा कि इस महीने के शुरुआती दौर में कहा था कि $100 के तहत एक रियलमी 5G स्मार्टफोन लॉन्च करेगा एंड अपनी योजनाओं के अनुसार वह लगभग 7,420 रुपये तक के में वो बेचेगा। एंड गाइस, यहाँ पर बताया गया, हालांकि यहाँ पर रियलमी ने यह खुलासा नहीं किया था कि कंपनी कब और किन बाज़ारों में डिवाइस लॉन्च करने की योजना बना रही है, बट अभी जो है इन्होंने कंफर्म कर लिया है कि ये कब और कैसे बेचेंगे, कब आएगा। रियलमी इंडिया और रियलमी यूरोप के CEO माधव सेठ ने खुलासा किया कि ब्रांड बहुत जल्दी भारतीय बाज़ार में 7,000 रुपये का रियलमी 5G स्मार्टफोन लॉन्च करे। हालाँकि यह सब सही है, यह सब बिल्कुल सही है जो अभी कंफर्म हुआ है। रियलमी ने भारत के आगामी दीपावली सीजन के लिए अपने बिक्री लक्ष्यों का भी खुलासा किया है। एंड यहाँ पर आगे लिखा गया है कि माधव सेठ का कहना है कि 7,000 रुपये का रियलमी 5G स्मार्टफोन बहुत जल्दी भारत में आ रहा है। और आपको यहाँ पर नीचे एक और बात लिखा गया है बहुत ही मोटे मोटे अक्षरों में रियलमी इंडिया के वेबसाइट पे, माधव सेठ के अनुसार रियलमी का लक्ष्य भारत के साथ साथ वैश्विक बाजारों को 5G लीडर बनना है और इसे संभव बनाने के लिए कंपनी ने अपने R&D संसाधनों का 90% 5G उपकरणों के विकास में स्थानांतरित कर दिया है। रियलमी इंडिया को इस दीपावली पर 60 लाख स्मार्टफोन बेचने का लक्ष्य है एंड अभी वो जो है रियलमी ने अभी इस स्टॉक को बनाना भी स्टार्ट कर दिया है। सो गाइस, अब फाइनली मैं आपको बताता हूँ ये कब लॉन्च होगा। सो गाइस, इसके जो है की स्पेक्स अभी तक नहीं निकल के आए कि इसके रैम कितने होंगे, कुछ भी अभी नहीं आया है। एंड जो मोबाइल फ़ोन होगा ये आपको दीपावली के आसपास या फिर दीपावली पर 4 नवंबर तक ये स्मार्टफोन आपको मिल जाएगा। एंड जैसे कोई भी नई अपडेट आती है मैं आपको सबसे पहले इन्फॉर्म करूंगा, तो फटाफट सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर दो, जिससे हमारी सारी नोटिफिकेशन आपके पास तक पहुंचती रहे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, वंदे मातर।